लिविंग बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। इसके अलावे नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा। ये चार होते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस का ही जिक्र किया गया था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि अबाउट 90% ऑफ मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिक्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसके अलावे दो कौन है? तो सल्फर और फास्फोरस, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़े। तो 98% जो पार्ट है ये कॉन्स्प का ही बना हुआ है। कॉन्स्प बोले तो CHONSP, इसका ही बना हुआ ये पार्ट है। आगे हम देखें रिलेटिव अबंडेंस। अगर हम बात करें तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो हायर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन इन अर्थ क्रस्ट। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही नहीं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का भी अमाउंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। आगे हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन की, यह भी हमारा खास पार्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन। सबसे पहले एक किसी भी हम लिविंग सेल को लेते हैं, कोई लिविंग टिश्यू को लेते हैं, और लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्लरी बनता है, थिक स्लरी। थिक स्लरी को हम चीज क्लॉथ से स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद यहाँ पे दो फ्रैक्शन हमें मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मिलता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक माइक्रो मिला और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिला। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं, और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इनसोल्यूबल में आते हैं। आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन आते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन आते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं एमिनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड, लिपिड्स। आप स्ट्रिक्टली याद रखोगे कि लिपिड्स जो होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये। दूसरी चीज, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे, मैं आपका यहां से बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड और लिपिड, ये आएंगे चार मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इतना आप कम से कम याद रखना। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 1000 डाल्टन से उनका मॉलिकुलर वेट कम होगा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे उनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट। अब हम आगे बढ़े, ये तो आप जान ही रहे, सिंपल सा स्टेटमेंट। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं लिविंग टिश्यू जो हैं वो कार्बन कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं, जिन्हें बायो मॉलिक्यूल्स हम बोल रहे हैं। एक कंपैरिजन का चार्ट दे रखा है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया लिविंग बॉडी में ही ज्यादा चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। आप इस डायग्राम से यहाँ कंपैरिजन कर सकते हो। इसके आगे अगर हम देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है। इसके अलावे जैसा कि हम अरे टिश्यू में ये सब पार्ट भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, आयंस हमारे बॉडी में लगभग एक सेल की अगर बात करें तो 1% ही होते हैं, वो भी मैं कंपोजिशन आपको दिखाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं अमीनो एसिड्स की तरफ, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी अमीनो एसिड, जैसे एक मैं सिंपल सा मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाता हूं, जैसे एक कार्बन है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर आपका कोई भी ग्रुप है, जैसे अमीनो ग्रुप एक इधर जुड़ा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो ये चार चीज होने चाहिए। जैसे सबसे पहले चीज, हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बोक्साइल ग्रुप होना चाहिए, अमीनो ग्रुप होना चाहिए, और एक कोई आर ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप होना चाहिए। अब ये आर ग्रुप में बहुत ज्यादा आप चेंजेस कर दो, वो भी मैं अमीनो एसिड आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड भी यहाँ पे नाम है, और इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। इसी तरह टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से ही अगर आप वहां पे अल्काइल ग्रुप जो आर ग्रुप है उसके जगह आप अगर लगाओगे NH3 तो ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा, आप मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो एलानिन का फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोक्साइल मिथाइल लगाओगे मीन्स तो सीरेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जो कि आपके दिखा रखे हैं नीचे, आप अगले पेज में डायग्राम देख सकते हो। इसमें ही कुछ बात करें, कुछ ऐसे अमीनो और कार्बोक्साइल ग्रुप के बेसिस पे कुछ अमीनो एसिड हैं, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड वगैरह है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज्यादा होता हो। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड, जैसे एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है न्यूट्रल, न्यूट्रल के आते हैं एग्जाम्पल, जैसे वैलिन दे रखा है, इसके अलावे भी ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास टायरोसिन, फेनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह है। इसके प्रीकर्सर मैंने बता रखे हैं क्रैश कोर्स सीरीज में, आप वहां देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में भी पूछे गए हैं और पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूटेरायन के बारे में, तो ये हमारा ड्यूटेरायन रहा। ड्यूटेरायन के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि जैसे अमीनो एसिड जो होते हैं उनमें दो चार्जेस होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा एक निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव अगर साइमल्टेनियसली चार्ज दोनों कैरी कर रहे हैं तो इनको ड्यूटेरायन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसमें बात करें लिपिड्स के बारे में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिपिड्स। तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं,
ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और दूसरा आर ग्रुप होता है। यहां पर आगे हम बात करें, नेक्स्ट पाल्मिटिक एसिड में आप याद रखना 16 कार्बन होते हैं और जो एरिकिडोनिक एसिड होते हैं उसमें 20 कार्बन मौजूद होते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं तो उनमें डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होंगे तो वन या मोर देन वन इसमें डबल बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, एक अनसैचुरेटेड में तो एक या एक से ज्यादा आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है कार्बन एटम के बीच, लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें ना ही डबल बॉन्ड ना ही ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स मौजूद होगा। इसके अलावा मैं बात करूं हमारे लिए कौन सा अच्छा है, तो हमारे लिए नॉन इसेंशियल फैटी एसिड अच्छा नहीं है, मीन्स हमारे लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छा नहीं है, हमारे लिए इसेंशियल फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे लिए अच्छा है, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, कोकोनट ऑयल है, ये सब आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम आगे बात करें कुछ खास, ये हमारा सिंपल लिपिड्स में आते हैं ग्लिसरॉल, जिसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस्टर्स होते हैं तो जनरली फैटी एसिड्स को लिया जाता है और अल्कोहल को लिया जाता है, ग्लिसरॉल मीन्स बोल रहे हैं यहाँ पे, तो फैटी एसिड्स के पार्ट तीन होंगे और अल्कोहल मीन्स ग्लिसरॉल के पार्ट एक होंगे, ये आप याद रखना, तीन और एक का चक्कर, तीन जो आएगा फैटी एसिड्स के लिए और एक जो आएगा वो अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप होते ही है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जैसे जिंजली ऑयल एक दिखा रखा है। नेक्स्ट हम बात करें, हाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉस्फोरस से रिलेटेड एक दे रखा है, तो अब तो नाम सुना होगा आपने लेसिथीन के बारे में, तो जो लेसिथीन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड का ही टाइप है और ये लिपिड्स होते हैं फॉस्फेट ग्रुप ये कंटेन करते हैं, इसके ही सेल मेम्ब्रेन बने हुए होते हैं, पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरल टिश्यूज के बारे में, तो सेफालिन होता है जो कि न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड के यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं, आगे भी डिस्क्राइब कर रखा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड ये सब आप देख ही रहे हैं, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ठीक है। अगर इसमें सुगर अटैच कर दें नाइट्रोजन बेस में तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, एसिडिक नेचर का वो हो जाता है। तो आप ये आगे देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल, एडेनोसिन, गुआनोसिन वगैरह। नेक्स्ट आप न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल देख रहे हो, एडेनिलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, तो आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करते हैं, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते ही है, आप तो आप जानते ही हैं। आगे हम बात करें, डायग्राम हमारे इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स के दे रखे हैं, देन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, कहाँ पे कौन सा ग्रुप आया है वो भी यहाँ पे आप देख लेना। नेक्स्ट हम आगे बात करें, आपका ये डायग्राम क्वेश्चन पूछा गया है एपीएमटी प्रीलिम्स 2011 में, फॉस्फोलिपिड लेसिथीन का डायग्राम दे रखा था, इसमें पहचानने का था कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात करनी थी। नेक्स्ट इसमें और भी पूछे गए, कोलेस्ट्रॉल तो है ही, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया था मोस्ट डेकोरेटिव जो मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजी का है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम आगे बात करें, एडेनिन का भी डायग्राम पूछ रखा है, सिर्फ आपको फिगर पहचानने को आया था, तो सब आप एक बार डायग्राम देख लेना, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे से होते हैं। तो फैट और लिपिड्स के देखे आपने, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड वगैरह के देख लिया आपने डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन तो इसमें से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप समझ लो होता क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जनरली जो प्लांट के, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, उसमें अमीनो एसिड वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो प्लांट में खुद ही खुद यूटिलाइज हो जाए, जो कम जो प्लांट में जेनरस क्वांटिटी में मिलता हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता हो और प्लांट के लिए वो यूजफुल हो, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह जो बन रहे हैं, तो उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इसके अलावे जो चीजें जो प्लांट के लिए उतनी यूजफुल नहीं हो पाती हैं और वो स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं और लिमिटेड रोल होता है उनका प्लांट में और कुछ पार्टिकुलर स्टेज के बाद ही उनका फॉर्मेशन होता है, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, जो बॉक्स बना रखा है एम्स में, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, एम्स 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बॉक्स दे रखा था उसमें मैच द फॉलोइंग में ये चीजें थी, जैसा कि आप देख रहे हैं एल्केलॉइड्स का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, एसेंशियल ऑयल का लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन का एब्रिन रिसिन, ड्रग्स का विन ब्लास्टिन और सर्क्यूमिन, ये पूछ रखा है, जो रेड सेंट लाइन है और येलो वाले चांसेस आने के हैं, नीट में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छा होता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो थोड़ा वो कम है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसका मैंने बता रखा है डाल्टन वगैरह। नेक्स्ट हम आगे बात करें, ये सब मैंने बता रखा है, लिपिड्स एक्सेप्शन है। आगे हम बात करें तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, भी मैंने बता रखा है। नेक्स्ट
जैसा कि मैंने आपको बताया था एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, हमारे सेल में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है 70-90% तक। नेक्स्ट है प्रोटीन 10-15%, कार्बोहाइड्रेट 3% तक ये मौजूद होता है, लिपिड्स की बात करें 2% ये मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड 5-7% होते हैं, आयंस 1% लगभग होते हैं, जितने भी आपने देखे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह। नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो आप जानते ही, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से इनकी लिंकेज होती है, अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं, तब रिक्वायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपने देख लिया। और 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है उसमें टीवी मॉल पाथ, ये ट्रिक मैंने बता दिया है। जैसा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोलेसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलएलनिन, थ्रेओनिन, काफी हैं, तो ये 10 हैं। और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, सेमी एसेंशियल मैंने आपको बताया था 2, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। नेक्स्ट, जैसा कि डायट्री प्रोटीन्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे डाइट में, वो इसेंशियल होते हैं क्योंकि हमारा बॉडी वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स के चार्ट दे रखे हैं, यहाँ से भी एम्स 2016 में क्वेश्चन पूछे गए, तो डायरेक्ट आप 2 बॉक्स देख रहे हैं एनसीईआरटी के पैरेलल पेजेस पे, और दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नीट में भी चांसेस आने के हैं काफी। इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शस एजेंट की तरफ फंक्शन करता है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, स्मेल टेस्ट हार्मोन, ग्लूट है तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये सब तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं यूज होता ही है बायोलॉजी में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, ये क्वेश्चन आई थी 2012 प्रीलिम्स में कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है, तो कोलेजन है, और ये आप देख रहे हैं पूरे बायोस्फीयर की अगर बात करें तो रुबिस्को प्रेजेंट ये होता है, रुबिस्को का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़े पॉलीसेक्राइड्स की तरफ, तो पॉलीसेक्राइड्स जो जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है पॉलीसेक्राइड्स, तो इसमें आपको लॉन्ग चेन मिलता है देखने को सुगर का, जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जब मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, छोटे छोटे जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तब जाकर इनका फॉर्मेशन होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कोई भी स्वीट जो स्वीट टेस्ट नहीं होता है इनका, स्वीट किन का होगा, मोनोसेक्राइड का। आगे हम बात करें, जैसा कि सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज आप देख रहे हैं, सेलुलोज एक होमोपॉलीमर होता है, स्टार्च जो है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होती है प्लांट में और हमारे में या एनिमल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनुलिन के बारे में, तो इनुलिन जो है फ्रक्टोज का ही पॉलीमर होता है। आगे हम बात करें इन पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजेन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग और लेफ्ट को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, तो ये आप पार्ट याद रखोगे। ये स्टार्च के साथ ब्लू आयोडीन देता है, आयोडीन कलर के साथ ये ब्लू कलर देता है, तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा क्लास 6 में। नेक्स्ट आगे हम बात करें इसमें, तो ये आपके डायग्राम दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो प्लांट सेल वॉल्स जो होते हैं वो जनरली सेलुलोज के बने हुए होते हैं, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर सेलुलोज के, सिंपल सी सब बातें हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है, ये हमारा यहाँ से खास क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन तो यहाँ से राइज होता है जो नीट 2013 में पूछा गया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटीन होती है तो वो किस चीज की बनी हुई होती है, पहली बात तो ये पॉलीसेक्राइड होती है और नाइट्रोजन इसमें होता है, तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन इसमें प्रेजेंट होता है। एक बार तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया था जिसको नाग बोलते हैं, NAG। नेक्स्ट एग्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन, जैसा कि आपने देखा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इसके अंदर होता है जो कि होमोपॉलीमर्स होते हैं। आगे हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ते हो, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये मौजूद होता है। आगे हम बात करें इसमें फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपाउंड जनरली प्रेजेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजन बेस का होना बहुत ही जरूरी है, नाइट्रोजन बेस के बाद पेंटोज सुगर जो कि यहाँ मोनोसेक्राइड लिख रखा है, और तीसरा हमारा फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जो कि एसिडिक डीएनए बनाता है। आगे हम बात करें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है इसमें, जैसा कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है एडेनिन और गुआनिन है जो कि प्यूरिन होता है, और बाकी जो बच गए वो पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में क्या आएंगे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो कि यहाँ पर दे रखा है, जो यूरेसिल होता है वो थायमिन में प्रेजेंट होता है। हम आगे बढ़े तो आप याद रखना पायरिमिडीन किसको बोलेंगे, तो पायरिमिडीन में 3 कंपाउंड आपके मिल गए, CUT कट से आप याद रखना, सी फॉर साइटोसिन और फिर यू फॉर यूरेसिल और टी फॉर थायमिन, ये हमारा पार्ट है। राइबोज जानते ही हो आप, राइबोज में यहाँ पे पेंटोज सुगर देखने को मिल रहा है मोनोसेक्राइड यहाँ पे है,
और ये डीऑक्सीराइबोज ये मिल रहा है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए बोल दिए, आरएनए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें कुछ स्ट्रक्चर हम देखें प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर वगैरह हेटरोपॉलीमर्स मैंने आपको बताया ही, ये हमारा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पहले आप ये याद रखना एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होता है एन से लेकर सी तक। इसमें एन क्या होता है, तो एन जो है पहला ये अमीनो एसिड होता है और ये एंड अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, राइट और लेफ्ट के चक्कर आप याद रखें। इसको बोल रहे हैं एन टर्मिनल एसिड और लास्ट वाले को सी टर्मिनल अमीनो एसिड इसको बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप एनसीईआरटी में काफी बड़ी चेंज हुई है, यहाँ पे से डायग्राम जो है बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ पे डाली गई है। ये जो डायग्राम है 2006 के पहले जो एनसीईआरटी चलती थी वो डायग्राम डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है समझने के लिए। ये हमारा पहला जो पार्ट है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का, जिसमें आप लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको, जिसमें अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है। एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन। सेकेंड हम बात करें सेकेंडरी के बारे में, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख रहे हैं थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसमें अल्फा और बीटा सीट होता है, तो आप अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट देख रहे हो। तो इसमें ये पहले तो सीट होंगे दो और किसी में मौजूद नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी चारों में, सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही अल्फा और बीटा का प्लेटिंग होगा। अगर आप डायग्राम आते हैं ऐसे तो ये आप याद रखना। हेलिकल शेप जो होता है इसका होता है, एग्जाम्पल आपका है सिल्क फाइबर, इसमें पेप्टाइड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम बात करें टर्शियरी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते कौन नहीं है, तो ईस्टर बॉन्ड नहीं होते। ईस्टर बॉन्ड का लिस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3D फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन नीट 2016, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट हमारा ये पार्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंकेज देखने को मिलती है, जैसा कि स्ट्रक्चर हमारा हेमोग्लोबिन जिसमें 2α 2β होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो। तो पूछेगा कि होलो वुलेन बोल के तरह कौन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ये होता है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्रोटीन का होता है उसके लिए ये इसेंशियल पार्ट होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि वुलेन बॉल की तरह दिख रही है, और क्वार्टरनरी जो होती है क्यूब या बॉल की तरह प्लेट की तरह है ही। मैंने आपको दिखाया डायग्राम, ये भी बता दिया मैंने आपको, एडल्ट में चार होते हैं α 2α 2β ह्यूमन हेमोग्लोबिन का आप देख रहे हैं। सॉरी यार सर्दी है मुझे, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट हम आगे बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं तो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। आगे हम बात करें तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जैसे जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं तो मोनोसेक्राइड्स के बीच में यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आपको दोनों में डिहाइड्रेशन से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करें जो ईस्टर बॉन्ड है, तो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर का हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके बीच बनती है ईस्टर बॉन्ड, और जब ईस्टर बॉन्ड के बीच होती है फॉस्फोडाइस्टर, मैंने आपको दिखा रखा है उसमें जो क्रैस्को सीरीज है उसमें कैसे होते हैं ये लिंकेज। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, याद रखेंगे वाटसन क्रीक का मॉडल भी है ये, डबल हेलिक्स जो की है दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, शुगर भी होता है फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट कंपल्सरी बेस पेयर होते हैं, जैसे ए और जी का साथ में होता है, टी और सी का होता है रिस्पेक्टिवली, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं ए का टी के साथ है सी का जी के साथ है। तो यह स्ट्रक्चर आप हेलिकल शेप भी यहाँ देख सकते हैं, इसी पार्ट में यहाँ पर उठाकर पूरा आपको दिखा रखा है। आगे हम बढ़े, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये आपको याद रखना जरूरी है कि एडेनिन और थाइमिन जो है इसके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। मीन्स बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर होता है जैसे ए टी है और जी सी है, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा और यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ये आप याद रखना यह स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर टर्निंग देखें तो 36 डिग्री पे ये टर्निंग होती है, जनरली रोटेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 36 डिग्री पे यहाँ पे होता है। स्टेप्स की पेयरिंग होती है, 10 बेस पेयर यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, मीन्स 10 स्टेप्स भी इसको बोला जाता है एक जब फुल टर्न होता है किसी भी हेलिकल स्ट्रैंड का। तो नेक्स्ट अगर बात करें जो 34 एंगस्ट्रम है, एक कंप्लीट टर्न जब होता है तो उसका 34 एंगस्ट्रम होता है, मीन्स इसमें 10 पेयर की बात की जा रही है। 3.4 एंगस्ट्रम जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप्स, दो के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बी डीएनए की बात की जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स इसमें मौजूद होते हैं अल्फाबेट के ही अकॉर्डिंग, जो कि आप आगे जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो इसे बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आगे हम बात करें डायनेमिक स्टेट होता है, कुछ कुछ पार्ट हैं यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जो कि आपको पहला चैप्टर में मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ पॉइंट, और कुछ उसके अलावे जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे है। जैसा कि टर्नओवर, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स का है तो कन्वर्जन होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंटली जो कन्वर्जन हो रहा है तो इसको ही बोला जाता है ये टर्नओवर। नेक्स्ट हम बात करें ये चेंज हो रहा है मेटाबॉलिज्म, आप जानते ही हो सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म होता है एक एनाबॉलिज्म, वो सब पार्ट तो आप जानते ही हो, यहाँ पर कैटालाइज्ड रिएक्शन कोई भी पार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे बात करें, नेक्स्ट जैसा कि एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे आप देख रहे हो, तो सिंपल सा एनाबॉलिक पाथवे है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एनाबॉलिक पाथवे है, कैटाबॉलिक है तो रेस्पायरेशन है, दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एनाबॉलिक को बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं। जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 मेटाबॉलिक स्टेप होता है, जैसा कि आप देखोगे आगे वाले फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन चैप्टर में, तो रेस्पायरेशन में आपको समझ में आ जाएगा। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, लिविंग स्टेट ये आपको याद रखना है कि जो ब्लड का कंसेंट्रेशन है ग्लूकोज का जनरली 4.5 से 5 एमएम होता है। हमारा कभी भी बॉडी जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो इक्विलिब्रियम का स्टेट में नहीं आ सकता है, जब इक्विलिब्रियम का स्टेट में हम जिस दिन आ गए उस दिन मानिए हमारा डेथ हो चुका है। आगे हम बात करें मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजाइम्स के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन होते हैं और कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसा कि राइबोजाइम, राइबोजाइम का पार्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन 2018 में भी आया है और पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे हम बढ़ें, जो एंजाइम्स होते हैं उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी इसमें मौजूद होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट की बात है, तो जो एक्टिव साइट होता है तो एक्टिव साइट को हम यहाँ पर लॉक बोल रहे हैं, मिस तालाब समझना आप एक्टिव साइट को, और जो सबस्ट्रेट होगा या रिएक्टेंट जो होगा वो चाबी की तरह बिहेव करेगा। इसको आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हो, एंजाइम्स में मैंने बहुत ही कम टाइम में 20 मिनट में इसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, लेकिन हमारा एंजाइम इस तरह नहीं होता। जब हम अपने एंजाइम को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर ले जाते हैं तो अच्छा वर्क नहीं करता, वो डिनेचर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी एंजाइम्स मिलते हैं जैसे हॉट विंड्स में जो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, सल्फर स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया रह रहे हैं, उनसे अगर आप निकालोगे एंजाइम तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छा है, वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी एंजाइम का, जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया का ही तो ये टाइप है। आगे हम बात करें कुछ केमिकल रिएक्शन से, आप देख रखे हैं क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते। आगे हम बात करें कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टर वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज्ड वन। अब तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर ये कैटालिटिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें कैटालाइज्ड कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत ही अच्छा कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करता है, तो इसकी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे शुरू में अगर नहीं है यहाँ पे तो 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर जब दो तो रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो आप आगे पढ़ोगे ही, ग्लूकोज पाइरेविक एसिड बन जाता है, 10 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम आगे बात करें, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये देख रहे हैं ग्राफ 2010 में भी पूछी गई है और इससे क्वेश्चन इधर भी हाल फिलहाल में 2016 में भी पूछा गया है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, तो ग्राफ में आप ये पार्ट देख रहे हो, तो ग्राफ में एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसे कि ये हमारा पार्ट जो हुआ, इसको बोला जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है ट्रांजिएंट और अनस्टेबल, मीन्स एनर्जी तो रहेगी बहुत ज्यादा लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, और ये जो कि नॉन एंजाइमेटिक हुआ, एंजाइम का यूज कर ही नहीं रहे हैं, और यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, मीन्स यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक पार्ट ये हमारा होता है। तो नीचे जो कम हुआ तो वो हमारा पार्ट है एंजाइमेटिक वाला है, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और यहाँ पे फिर कंपाउंड बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जाकर फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, एक्सोथर्मिक बता ही दिया है।
नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही कम लाइफ जिसका होता है। अब ये हमारा है कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, कैसे कैसे काम करता है। तो अब सिंपल सा समझ लो कि सबसे पहले कोई भी सब्सट्रेट है तो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड करेगा, एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड करने के बाद वो एंजाइम का एप्लीकेशन होगा, मीन्स वो शेप अल्टर कर लेगा। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आने लगती है बहुत ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आना मीन्स तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सब्सट्रेट आता है, फिर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग चलता है, देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे तो ये पूरा पार्ट है, इसमें आपको समझा रखा है। नेक्स्ट सीक्वेंस में पार्ट पूछे गए थे, पहले केरला पीएमटी होती थी उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट हम आगे बात करें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर और पीएच वगैरह है। तो आप याद रखना एक टाइप होती है ऑप्टिमल टेम्परेचर, उसको बोलते हैं जहां पे कोई भी एंजाइम अपना बहुत ही अच्छा काम कर पाता है कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक पीएच पे। जैसा कि मैंने बताया था आपको पेप्सिन वगैरह के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ पूछा गया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप याद रखना पीएच और टेम्परेचर का, कुछ ऑप्टिमम पीएच ही होता है, कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पे बहुत अच्छा काम कर पाता है। और ये आप कंसेंट्रेशन देख रहे हैं सबस्ट्रेट का, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला जो पार्ट है ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हो चुकी है, अब ये कंटिन्यू ये अनचेंज्ड ही रहेगा। यहाँ पे ये जो पार्ट था ए लीनियर पार्ट जनरली था, यहाँ पे कर्विंग आई है, यहाँ पे अनचेंज पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देर तक बस। आगे हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में, आप देख ही रहे हैं वेलोसिटी एंजाइम फर्स्ट में तो इंक्रीज होगा, उसी ग्राफ का दे रखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। आगे हम बात करें इनहिबिशन के बारे में, तो पहले तो मैं आपको बताऊं इनहिबिशन होता क्या है। तो जब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जब किसी भी एंजाइम का स्विचिंग करा रहे हैं तो उसको इनहिबिशन बोला जा रहा है, और जो केमिकल्स इसके लिए यूज हो रहे हैं उनको बोला जाता है इनहिबिटर। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के बारे में कुछ बातें। जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो इनहिबिशन उनमें रिवर्सिबल होता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव में जनरली इरिवर्सिबल होता है। जिसमें जब के एम बढ़ती है कॉम्पिटेटिव में तो वीमैक्स में कोई चेंज नहीं आता, और जब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में जब केम में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन वीमैक्स घट जाता है। ठीक, तो ये कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखना। इसमें क्या होता है, एलेस्टोरिक साइट पूछेगा किसमें है, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में ये प्रेजेंट होता है। सबस्ट्रेट के एनालॉग कौन होता है, तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इसमें होता है। इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रखना मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का ये होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो आप ये याद रखना। कुछ बैक्टीरियल पैथोजेन में भी जैसा कि पावर वगैरह होता है तो इसमें काम होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए, एक बार पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंजाइम्स के 6 क्लास होते हैं, जैसा कि नोमेनक्लेचर आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उतना, तो 6 क्लास होते हैं ये, और इसके ही हर एक क्लास के 4 से 13 सब क्लासेस यहाँ पे होते हैं, जिसमें 4 डिजिट नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आप क्लासेस देख रहे हैं टोटल 6 होते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, तो ये सब आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन तो आते नहीं है, आप ये 6 टाइप याद रखना। आगे हम देख रहे हैं आइसोमेरेज है, लाइगेज वगैरह है, तो ये 6 पार्ट हो गए। लाइगेज का तो अच्छा खासा यूज बायोटेक में भी होता है, आपको याद होगा। नेक्स्ट हम बात करें कोफैक्टर्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोफैक्टर्स पहले होता क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, क्रूशियल रोल होता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। नेक्स्ट हम बात करें कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन, आपको मैंने बताया ही। इसके अलावा जो एपो एंजाइम होते हैं, तो एपो एंजाइम जो होता है वो हमारा प्रोटीनियस पार्ट होता है। 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, देन कोएंजाइम और मेटल आयंस या मेटल एक्टिवेटर्स भी बोला जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड से जो हाइलाइटेड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम से, ये आप याद रखना, एपो एंजाइम से टाइटली बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें, जैसा कि आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो ये टूटता है वाटर और ऑक्सीजन में, ये पार्ट टूटेगा, तो इस पर एक्शन किसने किया, तो परऑक्सीडेज और कैटालेज ने इस पर एक्शन किया, तो ये हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप का ये पार्ट होता है। आगे हम देखें कोएंजाइम्स के बारे में, तो कोएंजाइम्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन ये एपो एंजाइम से एसोसिएटेड होते हैं। जैसा कि विटामिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, द एसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो विटामिन इसमें आंसर है। इसमें होता क्या क्या है, जैसे एनएडी है, एनएडीपी है, तो इसके लिए नियाशीन यहाँ पे जो विटामिन है वो कंटेन करता है। आगे हम बात करें हमारा जो लास्ट है मेटल आयंस के बारे में, जैसे मेटल आयंस जो होते हैं ये लूजली बॉन्ड होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं। आप जिंक का याद रखना,
जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम का काम करता है, कोफैक्टर है उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको और भी याद करनी हो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसमें याद कर लेना, जैसा आयरन है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज याद कर लेना, मॉलिबेडनम है तो नाइट्रोजिनेज याद कर लेना, मैग्नीशियम है तो हेक्सोकेनेज याद कर लेना, तो ये काफी है इतने सारे। नेक्स्ट हम बात करें तो कैटलिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाता है जब कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है एंजाइम के साथ, और क्रूशियल रोल तो मैंने आपको बताया ही। एक और पार्ट आप याद रखना, जब एपो एंजाइम और को एंजाइम इसको जब जोड़ते हैं तो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। होलो मींस कंप्लीट, तो ये कंजुगेटेड पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का। एंजाइम के दो पार्ट हैं, सिंपल और कंजुगेटेड। जो सिंपल है पेप्सिन वगैरह ये सब सिंपल होते हैं। इसके अलावा समरी में भी कुछ खास एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, राइबोसोम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर। कैटालिटिक पावर तो आप जानते हैं सब एंजाइम्स में होता ही है, तो राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड ये आया हुआ 2018 में ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चंस भी लगा लेना, जितने भी सारे आए हुए हैं प्रीवियस पार्ट में एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे बन जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको बता रखे हैं, और इसके अलावा आप क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम अगले लेशन में बात करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन की। काफी थोड़ी कंसेप्चुअल पार्ट होती है, क्वेश्चन दो से एक से दो क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं हर साल। क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ लिमिटेड पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा अगले लेशन में। तो इसी तरह बिट्स फॉर बायोलॉजी पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।